हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी। आपका केबीसी में बहुत 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 स्वागत है। आज आपके लिए जो लाया हूं मैं, राजस्थान पटवारी भर्ती का जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में कुछ हम बातें करेंगे। देखो, आ तो 5 तारीख को ही गया था ना ये नोटिफिकेशन, तो इतना लेट क्यों आए? तो मैं वेट कर रहा था कि डिटेल नोटिफिकेशन आ जाए ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए, परंतु नहीं आया अभी तक। इसलिए परंतु कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ डाउट है, कुछ चीजें हैं जिसके कारण स्टूडेंट बहुत ज्यादा भ्रमित हो रहा है, उनके बारे में मैं आज चर्चा करूंगा। सारी जो राजनीति हो रही है, जो पूरी चर्चा है हमारी, पूरी फोकस रहेंगी। जो आपने थंबनेल में क्वेश्चन देखे हैं उन सब क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करेंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखना। लास्ट में बताऊंगा कि केबीसी यानी केशव बालू क्लासेस आपके लिए पटवारी परीक्षा में क्या लाने वाला है। तो देखो, पहली बात कर लेता हूं, पद आपको पता ही है लगभग 4000 यानी 4200 के आसपास 4207 मेंशन किए गए हैं। फॉर्म जो फिल होंगे वो 20 जनवरी यानी अगले साल स्टार्ट होंगे, 20 जनवरी से लेके 19 फरवरी तक, एक महीने का लगभग टाइम है। शुरुआत के 5-10 दिनों के अंदर अंदर भर देना भाई साहब, फिर साइड साइड चिल्लाते रह जाओगे। नेकी के काम में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। ग्रेजुएशन इस बार जो है वो है ग्रेजुएशन को, और उसके साथ कंप्यूटर का कुछ भी हो, बहुत सारी चीजें हैं। ओ लेवल हो सकता है, RSCIT का सर्टिफिकेट ले सकते हो। यदि किसी ने कंप्यूटर में डिप्लोमा किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा किया है, वो फिर बढ़िया है। या फिर मैं बात करूं कि अपने नाम है जिसने बीटेक कर रखी है उसमें कंप्यूटर है, वो भी दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कंप्यूटर का कोई ना कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो राजस्थान लेवल का हो चाहे इंडिया लेवल का हो, आपके पास कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ये जो आया है कि सर ये चेंज, पैटर्न चेंज हो गया क्या, सिलेबस चेंज हो गया क्या, मैं बस इसी के लिए ही फुल नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहा था। फिर भी मैं आपको बताता हूं ये इस बार चेंज आया है, क्या चेंज है। जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिक, जियो इंडिया की है ये सब, और GK और करंट अफेयर, इन सब को मिला के दिया है 25। अब ये 25 मार्क्स नहीं है, ये 25 मार्क्स नहीं है, वेटेज है। 25% आएगा इसका पूरा को, इसको टोटल करोगे तो 100 है, उसका 25% ये है। अब बच्चे कहें 25 क्वेश्चन इसका है, नहीं भाई साहब, बहुत सारे मैंने देख लिए कि बहुत सारे जगह ये बताया गया 25 नंबर के, अरे नहीं, ये वेटेज है, दिस इज वेटेज। 25% इसका आएगा। जियो, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटिक और राजस्थान का 20% आने वाला है। जनरल हिंदी एंड इंग्लिश लगा रखा है इसने, तो देखो एंड इंग्लिश लगा रखा है और नहीं है, और इस बार और हो या ना हो डिटेल में ही पता चलेगा, जब एक मॉडल पेपर सा वो लास्ट में देते हैं उसी से हमें कंफर्मेशन हो पाएगा, या जो फाइनल नोटिफिकेशन आता है उसी में पता चलेगा ये एंड है या और है। अभी तक ये एंड ही है, और चांसेस मुझे लग रहे हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों आनी चाहिए, उनका पूरे का वेटेज 15 नंबर का होगा। रीजनिंग और मैथ 30 नंबर के आने वाली है, बहुत ही बढ़िया बात है। कंप्यूटर जो सिंपल वाला आने वाला है वो 10 नंबर का आने वाला है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब 10 नंबर का नहीं है, सॉरी, ये सब 10% वेटेज है, इसका 30% है, 15% है, इसका 20% है, और इसका 25% वेटेज है। तो ये आपका क्या है, कोर्स है, या फिर मैं बात करूं कि ये पैटर्न होने वाला है। अब कुछ क्वेश्चंस की मैं बात कर लेता हूं जो आपके डाउट है, जिन्हें क्लियर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उसके बिना प्रॉब्लम हो सकती है। पहली चीज आपने गौर करी कि कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन आया उससे अगले ही दिन जस्ट पटवारी का नोटिफिकेशन, तो क्यों आया ये साथ साथ? तो रीजन आपको मैं बताता हूं इसके पीछे। पटवारी में अभी तक क्या था, 12th था ना, इस बार क्या कर दिया, ग्रेजुएशन कर दिया। अगर यदि कांस्टेबल का साथ में नहीं देते तो बच्चा पक्का हंगामा करता, कहता कि सर हमें तो ग्रेजुएशन हटाओ, 12th पास वालों को भी पटवारी बनाओ, 12th पास वालों को के लिए क्या है क्या है। इसलिए उनको भी खुश करने के लिए कि 12th का बच्चा, 10th का बच्चा भी अब अपना अपना करियर बना सके, और जो ग्रेजुएशन किया हुआ है वो भी खुश रहे कि उसका कुछ कंपटीशन कम हो 11th 12th के स्टूडेंट के साथ, या फिर जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है उनसे कंपटीशन कम करने के लिए इन दोनों को साथ में लाया गया है, ताकि दोनों अपने अपने बिजी रह जाएं, दोनों खुश हो जाएं और कोई माथापच्ची ना हो। इसीलिए साथ साथ में नोटिफिकेशन निकाला गया है। पटवारी का नोटिफिकेशन बाद में निकालने की पहले विचार जरूर हुई होंगी, परंतु इसीलिए अभी छोटा सा नोटिफिकेशन निकाल दिया साथ में, है ना, ताकि हंगामा ना हो। दूसरा, ये जो नया सिलेबस है इसका पंगा क्या है, आप देख रहे होंगे बहुत सारी साइट्स में, इवन ये भी मैं जो बता रहा हूं वो सब क्या है, एक PDF आई हुई है जिसमें बताया हुआ है कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो वो कहाँ है, क्या वो कुछ प्रूफ है उसका कुछ? तो हाँ, डेफिनेटली उसका कुछ प्रूफ है, डेफिनेटली वही यही पैटर्न और यही सिलेबस होने के चांसेस क्यों है। पहली चीज,
ये चीज आई हुई है लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू की एक साइट है राजस्थान की, उसमें रूल्स दिए हुए हैं। रूल्स में एट नंबर रूल है शायद, तो एट या सेवन नंबर रूल है। उसकी पीडीएफ में जब आप नीचे जाते हो तब ये सिलेबस और ये पैटर्न दिया हुआ है। अब कारण बताओ सर कि यही क्यों होगा? 90% चांसेस है कि यही हो। क्यों? क्योंकि देखो इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन जो पटवारी की ऑफिशियल साइट आरएमएसएसपी के ऑफिशियल साइट पे आया है ना, उसका जो पैटर्न है, पैटर्न मतलब एजुकेशनल पैटर्न जो दिया हुआ है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो दी हुई है, वो डिट्टो कॉपी मारी हुई है। कहां से? जो लैंड रेवेन्यू वाला जो पीडीएफ है, जो इस जो ये चीज दी हुई है उसके जस्ट ऊपर वाले पेज में देखना, वहां पे पटवारी के लिए क्वालिफिकेशन दी हुई है, वो ही डिट्टो चेपी हुई है वहां पे। तो ये चीज जब क्वालिफिकेशन कॉपी करके पेस्ट की गई है, तो 90% चांस है कि ये भी सिलेबस भी सब कॉपी करके पेस्ट मारने वाले हैं, और वो होना ही वाला है। तो आप इस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तीसरा, ये सब समझ में आ गया होगा, इसकी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहां जाके आप देख सकते हो, वो लैंड रेवेन्यू का रूल्स पढ़ सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, और उसमें जरूर देखना इस बात को कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया है वही कॉपी करके वहां पे पेस्ट मारा है जो पटवारी का शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला गया है। अगली बात करता हूं, अंतिम वर्ष वाले क्या करें? तो अंतिम वर्ष वाले पेपर भरना है, पेपर देना है भाई। अंतिम वर्ष वाले पेपर दे सकते हैं, डेफिनेटली दे सकते हैं, उनको फॉर्म फिल करना ही है। बस बसते क्या है, उनका जो सर्टिफिकेट है या पूरी क्लियर चीज हो जानी चाहिए एग्जाम से पहले पहले। तो एग्जाम कब होगा यही अभी तक नहीं पता, तो आप फिल कर सकते हो। 450 रुपए की बात है, 350 रुपए की बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको डेफिनेटली फिल करना ही है। अगर आप इन सब में प्रिपेयर हो, आपका पटवारी निकालने का प्रयास है, मत इंतजार करो कि अगली बार आए, 4 साल का इंतजार बहुत दूर काम है बेटा। तो अंतिम वर्ष वाले यानी फाइनल ईयर वाले भरें, डेफिनेटली भरें। मैं तो कहता हूं जो सेकंड ईयर में है ना वो भी भर दो, वो भी भर, क्योंकि अब आपको पता नहीं है कि इसकी कब तक क्या रहे, कब एग्जाम आए। फर्स्ट ईयर वाले देख रहे हैं, सॉरी फर्स्ट ग्रेड वाले देख ही रहे हो आप, अलग से अलग से चल रहा है, कब 2016-17 कब से चले जा रहा है, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ। तो आप सेकेंड ईयर में हो तो भी रिस्क ले सकते हो, और फाइनल ईयर वाले तो भर सकते हैं, ऑफिशियली नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि फाइनल ईयर और अपेयरिंग है वो फिल कर सकते हैं, बशर्ते उनका सर्टिफिकेट या जो भी मार्कशीट है वो आ जानी चाहिए फाइनल एग्जाम से पहले पहले। इंटरव्यू है तो इंटरव्यू से, फाइनल मेन एग्जाम से पहले, ठीक है? अल्ले मेरे पास तो कोई कंप्यूटर का कुछ है ही नहीं। अरे तेरे पास कंप्यूटर का कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, आज ही जाके भर दे। आरएससीआईटी का जो पेपर होता है, वर्धमान यूनिवर्सिटी कोटा कराती है उसका कंडक्ट एग्जाम, वो सर्टिफिकेट ले ले, किसका है तुमको इंतजार, आरएससीआईटी है ना। तो आज ही जाके आप जाके फिल कीजिए, अपनी नजदीकी कोई भी कंप्यूटर सेंटर पे जाके बात कीजिए, उनसे कहिए कि हमें इतने टाइम में चाहिए, और फुल एडवर्टाइजमेंट आने वाला है इस चीज का कि अब तो कर लो, अब तो कर लो, तो फुल मिलने वाले हैं। तो सर्टिफिकेट को जरूर से लीजिए, फायदा क्या होगा, क्लासेस उसकी रेगुलर लेना। ऐसा इंस्टीट्यूट मत ज्वाइन करना जो आपको केवल सर्टिफिकेट दे दे, काम चलाओ कर दे, नहीं। आप बकायदा कोर्स कीजिए ताकि आपके 10 नंबर तो पक्के हो यार, है ना। तो आप जब पैसे दे रहे हो तो ये 10 नंबर पक्के करना, और कंप्यूटर का वो कोर्स आज से स्टार्ट कर देना। पेपर कब होगा सा? पेपर डेफिनेटली जो कांस्टेबल की है, जो बताई गई डेट है, उससे आगे होने वाला है, मतलब मई जून से पहले इसके कोई चांस नहीं है, मई जून से पहले इसके कोई चांस नहीं है। आपको अच्छा टाइम दिया जाएगा, थोड़ा पैटर्न चेंज किया गया है तो डेफिनेटली आपको फुल टाइम दिया जाएगा। तो बेफिक्र होके स्टार्ट, ये नहीं है कि फुल टाइम दिया जाएगा तो 2 महीने बाद स्टार्ट करूंगा, नहीं, आज से स्टार्ट कर। आराम से सोच, अपना प्लान बना, उसको कैसे आपको उस प्लान के थ्रू जाना है वो सब माइंड में रख के कि मुझे तो बनना ही है पटवार, क्लियर एग्जाम करना ही है, तो फिर आज से स्टार्ट करनी पड़ेगी। कल किसी ने नहीं देखा और कल होता भी नहीं है, कल से परसों हो जाता है, ठीक है। ऑफलाइन पढ़ू या ऑनलाइन? भाई तुझे जो पढ़ना है वो पढ़, कि सर ऑफलाइन कोचिंग ले लूं कि ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं उसमें पढ़ लूं, सिंपल सी बात है, एक टीचर पकड़ ले, कोई भी चैनल हो, कहीं भी यूट्यूब पे हो, कहीं भी कोई भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहां पे जाता है तो जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा उसको ऑनलाइन पढ़ ले। ऑफलाइन में कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो ज्वाइन करे रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। मैं सिंपल सी बात यह है, हमें एग्जाम निकालना है, कोई टॉपिक है, मान लो ये यार एक राजस्थान हिस्ट्री है,
कोई टीचर है बेहतरीन पढ़ा रहा है, वो मुझे ऑफलाइन मिल ही नहीं सकता, ऑनलाइन जरूर मिल रहा है, तो मैं ऑनलाइन पढ़ लूंगा, क्या प्रॉब्लम है उसमें? ऑनलाइन मुझे तो पढ़ना है, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ये ऑफलाइन ऑनलाइन के टच के में मत रहो, अपनी स्टडी पे फोकस रखो। आपके पास स्कोप ज्यादा बढ़ गया है, ये चीज देखो, आपके पास टूल्स बड़े हैं। आप कंफ्यूज हो रहे हो कि या तो ऑफलाइन में जाऊंगा या फिर ऑनलाइन में जाऊंगा, ऑनलाइन चला गया तो ऑफलाइन नहीं, ऐसा क्यों सोच रहे हो यार? ऑनलाइन कोई टॉपिक समझ में आ रहा है तो उसको बढ़िया है, अपने नोट्स बेहतरीन से बेहतरीन बनाओ, खुद को पढ़ना है, खुद को समझ में आना चाहिए, चाहे जहां से पढ़ो, ठीक है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा ऑफलाइन का भी ना ऑनलाइन का, है ना, ना मैं किसी के बारे में बुरा कह रहा हूं, दोनों अपनी जगह बेहतरीन है। पूरा नोटिफिकेशन कब आएगा? साहब पूरा नोटिफिकेशन जल्द आ जाएगा, जो 20 जनवरी का है तो मेरे हिसाब से न्यू ईयर पे आएगा, अब नहीं आने चाहिए मेरे हिसाब से, अभी तो फर्स्ट ग्रेड के माता बच्चों में फंसे हुए होंगे। तो पूरा नोटिफिकेशन लगभग 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी के आसपास आ जाएगा, ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा उसमें मामला पानी क्या है। तो स्टडी तो स्टार्ट कर देना, 20 दिन खराब करने से कोई मतलब नहीं है, और हाउला मत करना, अभी जाके जस्ट कोचिंग में मस्त घुस जाना किसी में, अपना डिसीजन आराम से लो, डिसीजन लेना जरूर है, आराम से लो, परफेक्ट लो, ये नहीं कि बस आज जाके अब आग लगा दूंगा, नहीं, अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट आज से कर देनी, जो जर्नी है वो स्टार्ट आज से कर देनी है, परंतु सारी जर्नी एक दिन में आज ही खत्म करके नहीं रखनी कि आज ही दे दी फीस उसको, इस कोचिंग में पढ़ लेंगे या यहां से पढ़ लेंगे, इतनी सारी किताबें ले आए, नहीं बेटा नहीं, धैर्य रख, थोड़ा समझ इस चीज को कि मुझे जर्नी स्टार्ट करनी है आज से, परंतु आज ही सारी खत्म नहीं करनी। पूरा नोटिफिकेशन हो गया, बीटेक वालों का इस बार क्या मामला है? बीटेक वाले इस बार एग्जाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से पेपर दो, कंप्यूटर साइंस में बीटेक की भी है तो फिर तो कोई और भी नहीं चाहिए, तो आराम से बीटेक वाले एग्जाम दो, अच्छे से प्रिपरेशन करो, उनकी मैथ रीजनिंग तो वैसे ही ऑलरेडी अच्छी होती है, हिंदी इंग्लिश में भी वो मात नहीं खाएंगे, खाएंगे तो राजस्थान की कल्चर, जीओ जीके हिंदी में, इनमें तो अच्छी प्रिपरेशन करो, इनकी क्लासेस आपको दी जाएंगी। बुक्स कौन सी खरीदूं? वाह ये बहुत मतलब बच्चों का एकदम डाउट होगा, सर यहाँ पे कब कब आऊंगे, बुक्स कौन सी खरीदनी है आज ही बता दो, बस 5-7 रजिस्टर लेकर आऊंगा, 5-7 किताबें लेके आऊंगा, आज से क्वेश्चन चालू चालू। बेटा अभी मत करे, अभी जब तक 10-15 दिन रुको, अभी जो भी मार्केट में बुक्स आ रही है ना, 10-15 दिन में बहुत सारे पब्लिकेशन, बहुत सारी बुक पब्लिश करेंगे, ये लो पटवार, ये लो पटवार, ये लो पटवार, रुक जा बेटा, वो किताब है ही नहीं, अभी तो पूरा नोटिफिकेशन नहीं आया उससे पहले किताब नहीं। आप भी आप स्टडी करो, जैसे आप जियो है, जियो का कोई टॉपिक है, अपने नोट्स तो बनानी है ना, पहले कोई ना कोई तो किताब थी ना, नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी पढ़ लिया भाई, है ना, वो तो खरीदनी है, एनसीईआरटी तो खरीदनी है, या अपने भाई से बहन से किसी से कबाड़ ले, वो पढ़ना स्टार्ट कर दे। बुक अभी कोई मत खरीदना, अभी बस जो भी किताबें आएंगी ना, कहीं का उठा के कॉपी पेस्ट मारा हुआ है और वो आपको पेश कर देंगे और दिखा देंगे सबसे पहले हमने प्रस्तुत की, नहीं वो नहीं खरीदनी है, आराम से बता दूंगा मैं, जब लेक्चर्स आएंगे उस दौरान मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, मैं खुद रिव्यू करूंगा कि कौन सी बुक अच्छी है, पढ़ने लायक है, जिससे अपने क्वेश्चंस आ सकें, तो बुक अभी मत खरीदो, तो अभी पढ़ने के लिए बहुत है, एनसीईआरटी पढ़ो, जो भी आपके पास नोट्स अवेलेबल है वो पढ़ो, कोई टॉपिक ले लो उसमें मास्टरी करना स्टार्ट कर दो, है ना, डेली 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 डेली। केबीसी क्या लाने वाला है? जो मुद्दा लास्ट में और अंतिम में होना है, है ना, वो मुद्दा अंतिम में नहीं शुरुआत में होना चाहिए था, सर केशव भानु क्लासेस हमारे लिए क्या ला रहा है पटवारी की परीक्षा के लिए, तो भाई साहब बहुत कुछ लाने वाला है, आपके लिए स्पेशल क्लासेस लगाई जाएंगी, सभी सब्जेक्ट्स की लगाई जाएंगी, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, कल्चर, जनरल साइंस हो, चाहे करंट अफेयर हो, सब की क्लासेस होंगी, उसका आपको शेड्यूल प्रोवाइड करा दिया जाएगा कुछ ही दिनों में। कुछ ही दिन क्यों ले रहा हूं, मैं सोच रहा हूँ एक बार फिर आ जाए नोटिफिकेशन, तो पूरा नोटिफिकेशन आ जाए तो अच्छी चीज बेहतरीन करने में हम विश्वास रखते हैं, जल्दबाजी में कि आज से ही देखो अनाउंसमेंट, कल से स्टार्ट होंगी आपकी क्लासेस, पढ़ना स्टार्ट कर दो दोस्तों, वो फिर क्या होता है कि वो जो दूसरे पहले पेपर में था ना एलडीसी में वाले में, वही कॉपी पेस्ट मार के यहाँ, वही वहां, वही यहाँ, कोई चेंज नहीं हुआ, है ना, तो ऐसा नहीं है, अच्छे से आपको लगभग हफ्ता भर लगेगा सर, हफ्ता भर लगेगा डेफिनेटली, अभी फर्स्ट ग्रेड के लिए हम जो क्लासेस करा रहे हैं उसका कोर्स हम जल्द से जल्द कंप्लीट कराने में चाहते हैं, हमारा फोकस वही है, पटवार के लिए क्लासेस जरूर आएंगी, इसलिए सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन हिट कर लो, नोटिफिकेशन ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि सर हाँ अब आ रही है क्लास, शेड्यूल जल्दी आ जाएगा आपके सामने,
जिसमें आपको क्लासेस बताई जाएंगी, कैसे पढ़ना है उससे पहले वो डिस्कस करूंगा, कौन सी बुक्स देखनी है हमें उसका डिस्कशन करेगा, फिर क्या एनसीईआरटी पढ़नी है, कैसे एनसीईआरटी पढ़नी है, क्या हाईलाइट करना है, क्या हाईलाइट नहीं करना है, दिन में क्या पढ़ना है, रात को क्या पढ़ना है, दोपहर में क्या पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, कौन से एग्जाम्स लेने हैं, क्या कोई टेस्ट सीरीज खरीदनी है, सबका डिस्कशन करेंगे पटवार में। इस बार पटवार निकाल करेंगे, हमारी फुल तैयारी करेंगे, आपको इतनी तैयारी करा देंगे आपका एग्जाम पक्का 100% क्रैक हो जाएगा, बस शर्ते आप बने रहें इसके साथ। तो केवीसी बहुत कुछ लाने वाला है, ये चीज अभी भी सस्पेंस है क्या लाने वाला है, तो इन क्लासेस आने वाला है परंतु कैसे और क्या, सब कुछ नया होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, वक्त के साथ बने रहिए आपको मिलेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली आपको, तो रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर कीजिए। लाइक ना करें कोई बात नहीं, लाइक से कुछ नहीं, हमें तो बस आपका शेयर कीजिए ताकि हमारे भाई बंधु और है जिनको जरूरत है ऑनलाइन क्लासेस की, फ्री क्लासेस की, वो जुड़ सकें और इन बेहतरीन क्लासेस का फायदा उठा सकें, क्योंकि किसी का भला करके आप स्वयं का भला कर रहे हैं, किसी और का नहीं कर रहे हैं। तो अपने अंदर वो लाइए, अपना सेल्फ में इंप्रूवमेंट लाइए, शेयर करना सीखिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ कीजिए, अपने तक वीडियो ना रखें, इसको फुल शेयर कीजिए ताकि आपका भी भला हो और दूसरों का भला हो। और कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, सब जगह हमें, गूगल सब पे है, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाके बस ज्वाइन कर ले ताकि आपको सारी मटेरियल मिलता रहे। तो आज मैं लेता हूं अलविदा, नए लेक्चर के साथ जल्द हाजिर हूंगा, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद जय भारत।